खबर इंदौर से है, जहां पति के शक करने की आदत से परेशान एक महिला थाने पहुंची। पति एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर है। महिला ने बताया, पति अक्सर उसका फोन चेक करते रहता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज पढ़ता है। महिला ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। टीआई ज्योति शर्मा के मुताबिक, आजाद नगर इलाके में रहने वाली एक 25 साल की महिला ने एयरफोर्स में तैनात पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला का पति एयरमैन के पद पर लद्दाख में तैनात है। महिला का कहना है कि पति भोपाल सिंह उर्फ अभिषेक पुत्र प्रेम सिंह मोकाती निवासी ग्राम खामखेड़ा बैजनाथ आष्टा उस पर शक करता है, दहेज के लिए परेशान करता है। महिला थाना पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। महिला ने बताया, एक शादी समारोह में अभिषेक से पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। 16 अप्रैल 2021 को लव मैरिज कर ली थी। शादी के 10 दिन बाद अभिषेक ड्यूटी पर लद्दाख चला गया था। शादी को एक माह ही हुआ था कि दहेज में कार लाने की डिमांड की गई। मैंने मना किया, लेकिन लगातार दबाव बनाने के बाद आखिर अपने परिवार को जानकारी दी। अगस्त 2021 को जब वो वापस आया, तो उसने इंदौर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की बात कही थी। वो मेरे मोबाइल से पढ़ने के बहाने मेरे मैसेज और कॉल डिटेल चेक करता रहता था। इसके बाद वह इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चेक करने लगा था। मुझे यह बात बुरी लगी, लेकिन नई शादी होने के चलते कुछ नहीं कहा। ससुराल में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सितंबर 2021 में तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अभिषेक मुझे वहीं छोड़कर वापस ड्यूटी पर चला गया था। अस्पताल का बिल भी नहीं चुकाया। माता पिता मुझे अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई।